गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील दुबे एक बार फिर से आप लोग का क्रिस्टल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल नेमिंग रिएक्शन के। तो आज हम लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पहला रिएक्शन है गुंबर्ग रिएक्शन। गुंबर्ग रिएक्शन, गुंबर्ग रिएक्शन देखते हैं। गुंबर्ग रिएक्शन, तो गुंबी रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है। इसमें हम क्रिया करते थे फ्यूरान का, फ्यूरान का डाइजोनियम साल्ट का, फ्यूरान और डाइजोनियम साल्ट का हम कराते हैं। एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट रहेगा। तो यहाँ देखेंगे फ्यूरान है, फ्यूरान प्लस Ar2 N2 Cl N2 Cl-। हाँ ये हो गए। और NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। NaOH यहाँ पर लेंगे NaOH, और ये हमारा भैया फ्यूरान हो गया, फ्यूरान हो गया, दिख रहा है। तो यहाँ बनेगा एराइल फ्यूरॉन, क्या बन गया? एराइल फ्यूरॉन। एरोमेटिक और N2 अलग हो गया, इसे हम कहेंगे एराइल फ्यूरॉन। और इसी प्रकार अगर हम अगला पुराना एक अपना बेसिक सा एक है गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन तो आप सुने ही होंगे। पहला हो गया गुंबर्ग रिएक्शन, दूसरा हो गया गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटर मान कोच रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो HCl और HCN को लेते हैं। HCl और HCN यहाँ पर अभिक्रिया कराने पर AlCl3 के उपस्थिति में, AlCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? HNCHCl ये बन जाएगा। फिर इसे हम फ्यूरॉन से डायरेक्ट क्रिया करा देंगे, जो हमें HNCHCl मिला है इसे हम फ्यूरॉन से क्रिया करा देंगे। सिंपल सा रिएक्शन है, फ्यूरॉन से रिएक्शन करा दिए HNCHCl AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ बन जाएगा HCl प्लस फ्यूरॉन के साथ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर हम HCl अलग कर लिए, CHNH, और इसको हम पानी डाल देंगे, पानी में डालकर H2O में मिला देंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? फॉस्फोरल, और इसी को कहते हैं फुरफुरर। हमारा हो गया गाटरमैन कोच रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखेंगे इसी प्रकार।